ओरिजिनल पार्टिकल्स। देखिए ओरिजिनल पार्टिकल होते क्या हैं, ओरिजिनल पार्टिकल मतलब मूल कण। देखिए जो मूल कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, सुपर स्पाइन पार्टिकल्स। और जो ओरिजिनल पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर स्पाइन पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब जो बहुत सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं उसे हम ओरिजिनल पार्टिकल कहते हैं, मतलब मूल कण। देखिए मूल कण को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक तो अस्थाई होते हैं दूसरा अस्थाई, स्टेबल अनस्टेबल। फर्स्ट बात करते हैं स्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल्स में तीन आ जाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोजकर्ता और एसआई यूनिट्स में उसका वेट और एसआई यूनिट्स में उसका चार्ज और हम देखेंगे प्रेजेंटेशन डिस्कवर्ड, आइए सब बात करते हैं। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. टॉमसन जी ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। देखिए इसे याद करने का एक आपको ट्रिक है, ईटा पर नाचे, इसे इलेक्ट्रॉन टी से टॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन, पर मतलब पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, पी से प्रोटॉन आर से रदरफोर्ड, मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। उसी तरह से नाचे मतलब एन से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, इनकी खोज चैडविक ने की थी। अगला बात करते हैं चार्ज इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट में चार्ज क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आवेश होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और इसका होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होते हैं, जीरो होता है। उसी तरह से मास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, और इसका होता है 1.6 × 10⁻²¹ kg, और इसका भी आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻²¹ kg। उसी तरह से हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब नाभिक के बाहर होते हैं, आउट ऑफ न्यूक्लियस, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, मतलब इन द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसी तरह से बात करते हैं दूसरा आ जाता है आपका अनस्टेबल पार्टिकल। अनस्टेबल पार्टिकल्स किसी कण के परमाणु नाभिक के अंदर व बाहर जो क्षणिक अस्तित्व होता है इनका, जो कण का जो पार्टिकल होते हैं वो नाभिक के अंदर व बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। देख रहे हैं एटम ऑफ दिस पार्टिकल्स इज मोमेंट्री एग्जिस्टेंस इनसाइड एंड आउटसाइड इन द न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर व बाहर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनका क्षणिक अस्तित्व होता है, जैसे मैसान। मैसान में तीन आ जाते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। अब हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल, बात करते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। देखिए जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल होता है वो उन्होंने एक तरबूज के तुलना किया, बताया कि एटम हैव बीन कंपेयर्ड विथ वाटरमेलन, मतलब जो एटॉमिक मॉडल इन्होंने थॉमसन जी ने दिए वह उन्होंने तरबूज से तुलना की। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम कैथोड रेज एंड पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने कैथोड रेज और पॉजिटिव चार्ज के अनुसंधान से एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसे हम थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। देखिए जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर और स्फेयर मेड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज मटेरियल, जो ये स्फेयर होता है एक पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं,
देखिए इलेक्ट्रॉन सेटल इन द पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन इस तरह से सेटल रहते हैं जैसे सिट्स इन द वाटरमेलन स्ट्राइक, मतलब जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी उसमें धसे होते हैं, जिसे हम प्लम पुंडिंग मॉडल या रेसिंग पुंडिंग मॉडल अथवा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं।